हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल RMWB पर। तो दोस्तों, रियलमी ने नया मॉडल लॉन्च किया है, रियलमी X7 Max, जो कि डिमिनिस्टी 1200 के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों, यह ऐसा ड्यूल 5G मोबाइल है। रियलमी ने लेटेस्ट में ही इस मोबाइल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, रियलमी X7 Max, इसकी आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। इसके अंदर आपको क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या इसके अंदर बैटरी है, क्या प्रोसेसर है, इसकी करने वाले हम अनबॉक्सिंग और जानते हैं इस मोबाइल के बारे में। तो दोस्तों, हमारे पास है रियलमी X7 Max, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले करते हैं हम मोबाइल की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, रियलमी की इसमें ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, अनकवर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। तो दोस्तों, इसके अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर आपको कंपनी की तरफ से कुछ यूज़र गाइड देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट बैक कवर कंपनी की तरफ से दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये जो कवर है, जैसे नॉर्मली जो कवर आता है वाइट कलर आता था, वो येल्लो हो जाता था कुछ समय के बाद, लेकिन ये जो कलर है ये वो येल्लो नहीं होगा। इसका जो कलर है कंपनी की तरफ से, इसमें ब्लैक कलर टाइप में इसमें दिया हुआ है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम इसके चार्जर की बात करते हैं तो दोस्तों, इसमें आपको टाइप सी की जो केबल देखने को मिल जाती है। इस चार्जर की बात करते हैं तो इसमें आपको 65 वोल्ट का सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो बारी है इस मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल को करते हैं रैपर लेस। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो लुकिंग है काफ़ी अच्छी दी हुई है। जो कंपनी की तरफ से एक जो लोगो है इसका डिज़ाइन दिया हुआ है, वो रियलमी डेयर टू लैब। जो रियलमी X7 जो मॉडल था उसमें आपको फुल जो साइज़ था, ये जो कलर आपको दिख रहा है, इसमें फुल में आपको लिखा हुआ था रियलमी डेयर टू लैब। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी ने इसको अब छोटा करके नीचे की साइड में ही लगाया है, क्योंकि कुछ लोगों को वह जो रियलमी डेयर टू लैब लिखा हुआ था, कुछ लोगों को रास नहीं आता था। तो इस मोबाइल के प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने इसके अंदर मीडिया टेक डिमिनिस्टी 1200 प्रोसेसर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको ड्यूल 5G मोड देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, जिसका जो प्रोसेसर है वो गेमिंग प्रोसेसर है। इसमें आप पबजी, जो भी आप गेम खेलना चाहें तो वो गेम इसमें आप आसानी से खेल सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी वेट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 170 ग्राम सुपर स्लिम एंड लाइट वेट। तो दोस्तों, इसके अंदर एक सबसे अच्छी फीचर्स एक ये दी हुई है कि इसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील वापर कूलिंग, जो कि इस फ़ोन के टेम्परेचर को ज़्यादा हाई नहीं होने देगा, फ़ोन की जो टेम्परेचर है उसको लिमिट में रखेगा। ये इस फ़ोन के अंदर सबसे खास बात दी हुई है, जो कि किसी भी फ़ोन में आज तक नहीं आई है। सिम की बात करते हैं तो इसमें आपको ड्यूल सिम मोड देखने को मिलते हैं, जो कि ड्यूल 5G इस फ़ोन के अंदर आप यूज़ ले सकते हैं। के साउंड की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको डोल्बी एटमोस साउंड देखने को मिलता है, जो कि इसके अंदर आपको इसके जो नीचे स्पीकर्स आप देख रहे हैं, इसी स्पीकर्स में और इसके रिसीवर्स में, इसमें आप जैसे गेम खेलते हैं या फिर आप म्यूजिक सुनते हैं तो इसके अंदर आपको दोनों स्पीकर्स में साउंड सुनाई देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, इसकी प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको मीडियाटेक डिमिनिस्टी 1200 प्रोसेसर कंपनी ने दिया हुआ है, कि जो कि फ्लैगशिप परफॉर्मेंस फुल स्पीड जिसमें देखने को मिलता है। इसमें आप गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन होने वाला है, जिसमें आप गेमिंग खेल सकते हैं, जो कि इसकी जो परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होने वाली है। तो दोस्तों, इसके अंदर एक वोल्टी, जो अपने पुराने फ़ोन में आप देख सकते थे जिसके अंदर वोल्टी लिखा हुआ आता था, इसके अंदर आपको वोनर ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि साउंड क्वालिटी, जिसमें अपने नेटवर्क की जो क्वालिटी होती है, जो कॉलिंग के लिए अपन यूज लेंगे, उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बेहतरीन होने वाली है। अगर वाईफाई की बात करते हैं, इसमें वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसकी बॉडी टू रेटियो की बात करते हैं, इसमें आप 91.7% स्क्रीन बॉडी टू रेटियो देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो दोस्तों, इसमें आपको स्क्रीन फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, फास्ट काम करेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसकी चार्जिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको 50 वोल्ट सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके चार्जर में आपको फुल स्पीड चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो आपके फ़ोन को मिनिमम 40 मिनट में फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा। तो इस फ़ोन को 50% चार्ज करने में आपको 16 मिनट का टाइम लगेगा। तो दोस्तों, इसके कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। इसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस
कंपनी ने दिया है, जो कि आपको 119 डिग्री वाइड एंगल कैमरा इसमें सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद आपको दोस्तों इसमें 2 एम्पीयर का माइक्रो लेंस कैमरा देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का कंपनी ने कैमरा दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो दोस्तों इस फ़ोन की सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको 3.5 mm जैक सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसी रेंज के अदर फ़ोन की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलेगा, तो इस फ़ोन के अंदर आपको 3.5 mm जैक देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों इसकी बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी कंपनी ने दी है, जो कि तो दोस्तों इसके स्टोरेज एंड रैम की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 वेरियंट देखने को मिलेंगे, 8GB 128GB, और दूसरा वेरिएंट देखने को मिलेगा आपको 12GB 256GB। इसके अगर हम सिम की बात करते हैं तो इसमें आपको ड्यूल नैनो सिम यूज ले सकते हैं, इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते। अंदर आपको रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपका फ़ोन दूसरा अगर लो हो गया है, बैटरी उसकी डिस हो गई हो, तो आप इस फ़ोन से उस फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ यूनिक प्रोडक्ट के साथ।